जाती हूँ मैं जाऊंगी अंदर लाउड नहीं है। हाँ तो मैं कौन से जाती हूँ? हाँ ठीक है ना। मेरा वन शॉट है। कहाँ थी राजू जी इतने दिन? हाँ ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल सकते ना। मम्मी की तबीयत कैसी है अभी? मम्मी ठीक है। भाई मेरी कॉफी दो जल्दी, मुझे जाना है। मैम कल आपने देखा वो मिल गई थी कन्ना बनाया क्या टीचर हैक हो गया सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हो गया? हाँ सस्पेंड हो गया उनका टीचर। अच्छा हुआ वो देश में आपस में भाई भाई ऐसे ऐसे बोल के आपस में देश में लड़ाना नहीं चाहिए ना, भाई भाइयों को लड़ाना नहीं चाहिए, एक एक सिटी सिटी को नहीं लड़ाना चाहिए ऐसे कमेंट्स। हम देश के नागरिक हैं और हमको ऐसे कोई कमेंट नहीं करने चाहिए जो देश के बच्चों के खिलाफ हो, देश के लोगों के खिलाफ हो, देश के मंत्रियों के खिलाफ हो, या देश के देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए और देश के खिलाफ हो, नहीं ये नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो जो भी ट्विटर वालों ने उनको सही लगा उन्होंने किया, वो भी मेरे पीछे आ गया। मेरा बॉडी गार्ड है, ये मेरा बॉडी गार्ड है। नहीं उसको उसको मास्क की जरूरत नहीं। वो भी न्यूज आई थी कल निकित अंबोली के भाई ऑफ हो गए थे ब्रदर। ओ मैं बहुत सैड हूँ। निकित अंबोली अंदर थी ना तो मेरे पास रोती थी, मुझे मेरे भाई की याद आती है, दादा दादा बोलती थी। मैं निकित अंबोली के फैमिली के साथ और उसके साथ दुख में बहुत ही सहमत हूँ, वेरी सैड। निकी आई लव यू बेबी, आई नो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बहुत प्यार करती थी अपने भाई से, दादा दादा बोलती थी। हम लोग मराठी में बड़े भाई को दादा बोलते हैं ना। हाँ मैं तो वही सोच रही कि वो किस हाल में होगी अभी, मुझे तो इतना रोना आ रहा है। बातचीत हुआ था कॉल पे? नहीं ऐसे हालत में फोन क्या करे ना, थोड़ा सा फील होता है, डर डर लगता है, दर्द होता है लोगों के लिए। अभी आज ही सुनने में आया कि अली की सिस्टर और उनकी फैमिली के लिए भी, उनको भी हो गया कोविड, दीपिका पादुकोण के फैमिली को भी हो गया, बहुत सारे लोगों को हो रहा है। संभावना जी के पिताजी को भी हुआ था, उनका इलाज चल रहा है, ठीक है। किसका? संभावना से। संभावना? हाँ मैंने फ़ोन किया था संभावना को, वही बहुत परेशान है। हाँ नहीं अभी मैंने फ़ोन किया था, उसको बेड मिल गया है उनके डैडी को संभावना सेट के। जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है मैं फ़ोन करती हूँ, और कब हमारे अच्छे दिन आएंगे पता नहीं। बस यही है, थैंक यू। बड़ी यही है कि बस एक बात तो कोरोना सिखा गया है, एटलीस्ट कोरोना के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, एटलीस्ट एक बात तो सिखा गया है। लोग यहाँ बहुत भेदभाव करते हैं, अमीरी गरीबी। मैं बहुत रोती हूँ रोज, लाचार हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्या करूँ देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। अब तो वैक्सीन भी नहीं है, मुझे भी वैक्सीन लगवाना है, मुझे भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है, बट मैं चाहती हूँ मेरा जो वैक्सीन जो मेरे हिस्से का है किसी नीडी को मिल जाए, किसी ज़रूरतमंद को मेरे हिस्से का वैक्सीन मिल जाए। मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मुझे कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे शरीर में मेरे यीशु का पवित्र लहू है, इसलिए मुझे कोरोना और मेरी फैमिली को नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने सारी बुरी आदतें छोड़ दी है। कुछ बुरी आदत नहीं है मुझे, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ थोड़ा गुस्सा है, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगा। मैंने गॉड में सरेंडर कर दिया है अपने आप को कि गॉड आपके ही तरफ से मुझे जीना है, और जितने जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा है। मेरे हिस्से का वैक्सीन किसी और को मिल जाए चलेगा, बस यही कह सकती हूँ। दिल तो रोता है, लोग इतने ऐसे ऐसे जो कचरा उठाने वाला रहता है ना, इसके अंदर लोगों को उठा के मतलब कोरोना पेशेंट जो मर जाते हैं,
बॉडीज को कैसे जलाया जाता है। तकलीफ होती है जिन नाजों से माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़े किया और उनके एंड में उनकी बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते, इतनी तकलीफ की बात है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। भाई मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पीछे और कहीं मत आना। आपको मैं इधर ही मिलूंगी 4 बजे। मेरे पीछे और कहीं मत आना। ओके डन। थैंक यू। वादा करो मेरे पीछे कहीं नहीं आओगे। थैंक यू। कल आओगे ना राखी जी? हां कल यहीं पे। हां मैं रोज आती हूं इधर 4 बजे चाय कॉफी लेने। थैंक यू। 4:30 सवा 4 बजे बाद में बात करते हैं।